आज मैं आपको टीओटी अर्थात ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स और टीओए अर्थात ट्रेनिंग ऑफ एसेसर के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। हमारे देश में स्किलिंग के अंतर्गत जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या स्कीम चलाए जाते हैं, जैसे PMVKY, non-PMVKY, जैसे DDUKK, RPL etc., इनमें ट्रेनर बनने के लिए टीओटी सर्टिफिकेशन ज़रूरत होती है। उसी प्रकार एसेसर बनने के लिए टीओ की सर्टिफिकेट ज़रूरत होती है। तो फिर टीओ और टीओटी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता क्या है? टीओटी या टीओ बेसिकली एक 8 से 10 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ट्रेनिंग के दौरान आपको स्किलिंग, सेक्टर, जॉब रोल, नॉज एक्सेट्रा के बारे में डिटेल नॉलेज दी जाती है। साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम किया जाता है। ट्रेनिंग के आखिरी के दिनों में आपका असेसमेंट ली जाती है, मींस आपको एग्ज़ाम फेस करने पड़ते हैं। एग्ज़ाम बेसिकली डोमेन और प्लेटफॉर्म का होता है। डोमेन में आपको डोमेन थ्योरी, डोमेन प्रैक्टिकल, वाइवा और प्लेटफॉर्म में रिटर्न एग्ज़ाम और प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। अगर हम डोमेन थ्योरी की बात करें तो क्वेश्चंस MCQ या सब्जेक्टिव दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन का सिलेबस बेसिकली आपका डोमेन होता है। अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो QP से NOS के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करनी पड़ती है। वहीं वाइवा आपका डोमेन से रिलेटेड होता है। प्लेटफॉर्म में एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है और एक आपको 3 से 5 मिनट का क्लास लेनी पड़ती है, मीन्स आपको एक किसी भी एक टॉपिक पर प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। डोमेन और प्लेटफॉर्म दोनों में पास कर जाते हो तो आपको टीओटी या टीओ की सर्टिफिकेशन मिल जाती है। सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 2 साल की होती है। इनकेस आप किसी एक में भी फेल कर जाते हो, इट कैन बी डोमेन या प्लेटफॉर्म, तो आप फेल हो जाते हो और आपको री एग्ज़ाम देना होगा या रीअपियर करना होगा। और इन केस अगर आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है तो वो बेसिकली टेम्प्ररी होगी, उसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स होगी। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी एक्सपायर होने के बाद आप रीसर्टिफिकेशन कर सकते हो। रीसर्टिफिकेशन के टाइम में 2 से 3 दिनों का टाइम होता है। उसमें बेसिकली आपका डोमेन के एग्ज़ाम्स होते हैं। टीओटी और टीओ की शेड्यूल जानने के लिए आपको टाइम टू टाइम NSDC की वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी। अगर आपको टीओटी और टीओ के संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।